यह फैसला किया गया है कि कुछ गतिविधियां अलग अलग जोन में जारी रह सकेंगी। मैं आज इस बारे में आपको ठीक ढंग से बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि संक्रमण भी रोकना है और लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम भी करना है, आर्थिक गतिविधियां भी चालू रखना है, करना है, और इसलिए कुछ गतिविधियां रेड हो, ऑरेंज हो या ग्रीन हो, सब में प्रतिबंधित रहेंगी। सभी प्रकार की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, रेल सेवाएं, अंतर्राज्यीय बस सेवा, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली बसें, मेट्रो रेल हमारे यहां नहीं है इसलिए उसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे राज्य के नागरिक दूसरे राज्य में नहीं जा सकेंगे, सभी स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, ऑनलाइन अध्ययन को छोड़कर ऑनलाइन अध्ययन किया जा सकेगा। स्वास्थ्य, पुलिस, शासकीय अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी, लॉकडाउन में फंसे लोगों हेतु आवश्यक हॉस्पिटैलिटी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी हॉस्पिटैलिटी सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी। सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार या अहाता, ऑडिटोरियम, सामुदायिक भवन और इसके समरूप अन्य स्थान, ये सब प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद संबंधी, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम एवं गतिविधियां, इसकी अनुमति नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थान, पूजन स्थल एवं धार्मिक समारोह नहीं होंगे। सभी जोन्स में ध्यान से सुने, क्योंकि सीनियर सिटीजन को इस वायरस से खतरा ज्यादा होता है, इसलिए 60 साल से ज्यादा आयु के नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती बहनें और 10 साल से कम उम्र के बच्चे, ये घर पर भी रहेंगे। मेरे बुजुर्गों और मेरे छोटे छोटे भांजे भांजियों, आपको अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर में ही रहना है। आवश्यक कार्य या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही अत्यावश्यक कार्य, जैसे चिकित्सा संबंधी, तो ही इनमें से कोई घर के बाहर जा सकेगा। शाम 7 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कृपया करके शाम 7 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक कोई घर से ना निकले, ये पूर्णतः प्रतिबंधित गतिविधियां हैं। अब इसके अतिरिक्त रेड जोन में, कंटेनमेंट एरिया के बाहर, ध्यान से सुनिए, रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर
निम्न गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं। लोगों का आवागमन केवल उन गतिविधियों के लिए हो सकेगा जिसकी अनुमति हो। चार पहिया वाहन में अधिकतम 3 लोग, एक ड्राइवर और 2 यात्री ही बैठकर जाने की अनुमति होगी, इससे ज्यादा नहीं जा सकेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्र सैज एसीजेड की गतिविधियां चालू होंगी। निर्यात इकाइयां मतलब ऐसी यूनिट जो अपने उत्पादन का एक्सपोर्ट करती है वो चालू रहेंगी। औद्योगिक क्षेत्र एक्सेस कंट्रोल के साथ चालू रहेंगे। अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं के निर्माता, ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता आवश्यक है, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयां, जूट उद्योग, पैकेजिंग इकाइयां, नगरीय क्षेत्रों में निर्माण कार्य जिसमें केवल स्थानीय श्रमिकों या अमले का उपयोग हो, नवकरणीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी निर्माण की गतिविधियां जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, कंटेनमेंट जोन एरिया के बाहर, वहां सब तरह के निर्माण की गतिविधियां जैसे मनरेगा के काम या बाकी निर्माण के काम, वो सब चालू रह सकेंगे। आवश्यक वस्तुओं का विक्रय करने वाली दुकानें, जो जरूरी चीजें हैं उनको बेचने वाली दुकानें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार की दुकानें, सभी तरह की दुकानें खुल सकेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी ई कॉमर्स गतिविधियां, निजी कार्यालय 33% अमले के साथ, पूरे अमले के साथ नहीं। सरकारी कार्यालय, उप सचिव एवं उच्च स्तर पर 100% उपस्थिति के साथ एवं शेष 33% अमले के साथ। ये रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर ये गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। कंटेनमेंट जोन में प्रवेश और निकास का द्वार एक ही होगा, पूरी तरह से सील करके रखा जाएगा। केवल अत्यावश्यक सेवाओं और मेडिकल इमरजेंसी के लिए लोगों को आवागमन की अनुमति होगी। आने और जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर शेष गतिविधियां संचालित हो सकती है। जो मैंने बताई वो सारी गतिविधियां रेड जोन में चालू रहेंगी, वो तो रहेंगी, लेकिन उसके अतिरिक्त ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब में अधिकतम 3 लोग, एक ड्राइवर और 2 यात्री ही बैठकर जाने की अनुमति होगी। एक जिले से दूसरे जिले में लोगों का आवागमन केवल उन गतिविधियों के लिए हो सकेगा जिसकी अनुमति हो। इन क्षेत्रों में कृषि से संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कपड़े की दुकानें, बिजली की दुकानें, मार्केट के बाहर स्थापित एकल दुकान, मार्केट नहीं खुलेगा लेकिन मार्केट के बाहर अलग अलग दुकान होती है तो एकल दुकानें, ऑटो रिक्शा, नगर सेवा की बसें एवं समस्त प्रकार के उद्योग, सभी निर्माण कार्य, मनरेगा के कार्य आदि सभी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति होगी। ये गतिविधियां चालू की जा सकेंगी। और बहनों भाइयों बेटे बेटियों, ग्रीन जोन में
वो गतिविधियां तो चालू रहेंगी जो रेड जोन में और ऑरेंज जोन में चालू रहेंगी, लेकिन उनके अतिरिक्त सभी प्रकार की गतिविधियां ग्रीन जोन में संचालित की जा सकती हैं, जैसे कृषि से संबंधित सभी कार्य, सभी प्रकार की दुकानें, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल नहीं, आवासीय परिसरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स के बाहर स्थापित एकल दुकानें, मतलब अकेली अकेली दुकान, ऑटो रिक्शा, नगर सेवा की बसें, ग्रामीण क्षेत्र में समस्त उद्योग, समस्त निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा के कार्य, सभी प्रकार की गतिविधियां, एक्सेस कंट्रोल के साथ औद्योगिक क्षेत्र, आवश्यक वस्तुओं सेवाओं के निर्माता, ऐसे उद्योग जिनमें उत्पादन की निरंतरता है, सूचना प्रौद्योगिकी और हार्डवेयर निर्माण की इकाइयां, और ग्रीन जोन में 50% क्षमता के साथ बसें भी चलेंगी। मतलब जो जिले ग्रीन जोन में आते हैं उनमें परिवहन की बसें चलेंगी, लेकिन अगर बस 50 सीटर है तो केवल 25 यात्री उसमें बैठेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, भर के नहीं जाएंगे, सारी सीट नहीं भरेंगी। बस डिपो भी 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। विवाह कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति देंगे। अब विवाह कब तक आखिर रोकें? इसलिए ग्रीन जोन में 50 लोगों के साथ वरपक्ष वधुपक्ष के 25-25 विवाह संपन्न हो सकेंगे, और बाकी स्थानों पर भी ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर, रेड जोन में कंटेनमेंट एरिया के काफी बाहर, जहां सुरक्षित विवाह संपन्न हो सकते हों, बहुत कम संख्या में, वहां रेड जोन में 5-5 की संख्या हो सकती है, लेकिन अनुमति लेके होंगे। लेकिन ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर, ऑरेंज जोन में, ग्रीन जोन में तो कंटेनमेंट एरिया है नहीं, विवाह किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये सारी गतिविधियां हमको चालू करनी है, लेकिन नई गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए। जरा सी लापरवाही ग्रीन जोन को ऑरेंज या रेड जोन में बदल देगी, और ग्रीन जोन अगर ऑरेंज जोन या रेड जोन में बदल गया तो इस तरह की सारी गतिविधियां प्रतिबंधित हो जाएगी। और इसलिए आपको कोशिश करनी है कि आपका जिला अगर रेड जोन में है तो वो कैसे ऑरेंज जोन में आए। प्रशासन पूरी ताकत के साथ काम करेगा, लेकिन आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। और ऑरेंज जोन से हम कैसे ग्रीन जोन में जाएं, इसके लिए आपको लगातार अनुशासन बनाते हुए प्रशासन के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमें कोरोना के साथ जीना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोई तारीख नहीं बता सकता आज किस तारीख को कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। आप जानते हैं, वैक्सीन बनी नहीं है, दवा कोई है नहीं, और इसलिए कोरोना के साथ हमको जीना सीखना होगा, लाइफ स्टाइल हमको बदलनी पड़ेगी। मतलब भारतीय संस्कार और परंपराओं का पालन करते हुए जीवन जीना पड़ेगा। जैसे हाथ मिलाने के बजाय दूर से नमस्ते, 2 गज की दूरी, मास्क हमेशा बांध के रखना, नाक और मुंह कवर करके रखना, बार बार हाथ धोते रहना, बाकी जो गतिविधियां प्रतिबंधित है वो नहीं करना, भोजन भी जो शरीर के लिए हितकारी हो वो करना। प्राचीन समय में ऋषियों ने कहा था
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने तीन मंत्र दिए थे, हितभुक, मितभुक, ऋतुभुक। हितभुक मतलब जो शरीर के लिए हितकारी हो वो खाएं, मितभुक का मतलब भूख से कम खाएं, और ऋतुभुक मतलब ऋतु में जो चीजें होती है वो खाएं। सुपाच्य भोजन, सवेरे जल्दी उठना, व्यायाम करना, योगासन करना, प्राणायाम करना। प्राणायाम आपके फेफड़ों को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जीवन नियमित जीना, आयुर्वेदिक काढ़े का प्रयोग करना। पूरे प्रदेश में 1 करोड़ परिवारों में आयुर्वेदिक काढ़ा निःशुल्क पहुंचाने की हमने व्यवस्था की है। तो हमको अपनी जिंदगी में जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो कोरोना का आक्रमण हम लोग विफल कर पाएंगे। देखिए, कोरोना ऐसा रोग नहीं है कि जिससे डरा जाए, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनने कोरोना को पराजित किया है। मैं एक छोटी सी बिटी अपूर्वा सिंह से मैंने बात की थी, 8 साल की उम्र थी, पुलिस आवास टीटी नगर में रहने वाली बेटी कोरोना संक्रमित हो गई, बहादुरी से लड़ी, हिम्मत से लड़ाई लड़ी, और फिर स्वस्थ होकर चिरायु अस्पताल से बाहर आ गई। मैंने फोन पर उसको बधाई दी थी। डॉक्टर विभा के बच्चों की कहानी भी प्रशंसनीय है, उनके पति डॉक्टर सौरभ पुरोहित, 2 वर्षीय बेटा वीर संक्रमित हो गया, और उसका इलाज करने के चक्कर में वो स्वयं और उनका 5 वर्षीय बेटा भी संक्रमित हो गया, पूरा परिवार संक्रमित हुआ। लेकिन वो घबराए नहीं, हिम्मत से मुकाबला किया और सभी कोरोना को पराजित करके वापस लौट आए। तो कोरोना से हिम्मत से लड़के जंग जीती जा सकती है। एक निवेदन मैं आप सबसे करूंगा, कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के प्रति स्नेह और संवेदना रखें, आखिर वो हमारे भाई बहन हैं। एक वायरस से पीड़ित है तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये छूत की बीमारी मान के उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार ना करें, और इसलिए हिम्मत से लड़े हम जीतेंगे। इन दोनों मेरे बहनों और भाइयों, कई तरह के बहुत महत्वपूर्ण कदम कोरोना से लड़ने के साथ साथ हमने उठाए हैं।